हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस टाइप से आप लोग अपने ओप्पो के डिवाइस पे आप लोग यहाँ पे जो है सैमसंग का स्टेटस वगैरह पे सेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू तो पहले बता दो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रेड की बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बगल में बेल का आइकन बना भूले, इंडायर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बोले, शेयर करना भी ना भूले। चलिए बात करते टॉपिक की। तो अभी आप लोग यहाँ पे मेरा स्टेटस बार देख सकते, जो काफ़ी ज़्यादा चेंज दिख रहा है आप लोग को, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त है। और मैं आप लोग को अपना यहाँ पे स्टेटस बार दिखा दूँ, स्टेटस बार भी काफ़ी बेहतरीन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप लोग को बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते। और मैं थोड़ा स्लाइड करूंगा तो यहाँ पे आप लोग को जो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल भी देखने को मिल जाए, जो कि आप लोग काम स्टेटस बार में यहाँ पे नहीं मिलता, बट एकदम बहुत ज़्यादा हेवी है और काफ़ी बेहतरीन है स्टेटस बार है, तो काफ़ी बेहतरीन आप लोग यहाँ पे लोग देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं किस टाइप से आप लोग यहाँ पे जो अपने फोन में यहाँ पे कंट्रोल पैनल सेट करेंगे, उसके लिए आप लोग को जो एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसका नाम है नोटिफिकेशन स्टेटस बार, जो को 2019 के एकदम लेटेस्ट एप्लीकेशन है। तो इस टाइप के आप लोग के एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। किस टाइप से डाउनलोड करेंगे मैं आप लोग को लास्ट टाइम बताऊंगा, उससे पहले मैं आप लोग की सेटिंग के बारे में बता दूँ। तो जैसे आप लोग यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप लोग यहाँ पे गो टू कस्टमाइज पे क्लिक कर देना, कोई भी आप लोग को ले लेना है स्टेटस बार यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि हमारा स्टेटस बार यहाँ पे आप लोग इसे अनेबल कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप लोगों को सिग्नल इन्फॉर्मेशन को भी आप लोग यहाँ पे जो है अनेबल कर दीजिएगा, बैटरी इन्फॉर्मेशन को भी आप लोग यहाँ पे अनेबल कर दीजिएगा। और आप लोग यहाँ पे सेट थीम का भी ऑप्शन मिल जाता है, कैरियर नेम आप लोग यहाँ पे बदलना चाह रख सकते हैं, टाइम का भी ऑप्शन मिल जाता है, और कस्टमाइज टेक्स्ट मतलब आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोग कि यहाँ पे आप लोग जैसे परमिशन दे दीजिएगा फ्लोटिंग विंडो मैनेजमेंट से, तब ये प्रॉपरली वर्क करेगा। तो जैसे आप लोग इसे सबको अनेबल कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग सब चीज़ यहाँ पे सेटिंग अपने हिसाब से फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जैसे स्टेटस बार यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा स्टेटस बार यहाँ पे आ चुका है, वॉलपेपर भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। बात करेंगे इसका एक बेहतरीन फीचर, जो कि मुझे ये लगा कि आप लोग यहाँ पे जो है ऊपर में आल एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग पूरी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती, जो कि हमारा स्टेटस बार में जो है पूरा हम जो यहाँ पे काम कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन आप लोग के फीचर देखने को मिल जाएगा। सेटिंग भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी, पूरा सिस्टम यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। कैंसिल कर दीजिएगा और यहाँ पे आप लोग स्टेटस बार के भी आप उठा सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन आप लोग के फ़ोन में यहाँ पे लुक्स मिल जाएंगे और स्टेटस बार तो चेंज होगा ही, और काफ़ी बेहतरीन आप लोग के यहाँ पे काम भी आसान हो जाएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो वीडियो कमेंट करना बोले मस्त वीडियो बना के अपडेट क्लियर कर दूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।